जय वाल्मीकि, जय भीम मेरे सभी साथियों को। मैं आपका भाई योयो बन्नू सिंह तिलक नगर से। भाइयों, 24 तारीख को कुछ लोगों ने मेरे साथ मारपीट बहुत ज़बरदस्त की है। मेरा दांत टूट गया है और मेरे अंदर मुंह में टाके हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और भी उन्हीं का साथ दे रहा है। तो इसी से सभी मेरे भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, कल इतवार को 12 बजे तिलक नगर डबल स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे सारे वाल्मीकि समाज के भाई इकट्ठे हुए अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए। जय वाल्मीकि, जय भीम। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, समाज के सारे भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के तिलक नगर के डबल स्टोरी इलाके में, जहां पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया। अब आखिरकार उनके साथ ये सब क्यों हुआ, इनके साथ ही जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु। मैं 24 तारीख को रात को 10 बजे आइस फ्लू की दवाई लेने गया था अपनी भाभी के साथ। तो कुछ लोग नशे के हित में, दो तीन लड़के वहाँ खड़े थे, उन्होंने मुझे एक ही दम घेर लिया और मेरे मुँह पे पंच मारा, मेरे दांत टूट गए, मेरे अंदर सारे टाके आए हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। कौन से थाने में मामला है? तिलक नगर थाने में। क्या जवाब आ रहा है पुलिस? पुलिस का यही जवाब आया है कि कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट हो गए हैं। अरेस्ट होने के बाद उन व्यक्तियों ने 5-10 मिनट बाद वीडियो डाली है, गाली गलौच लिखने के बाद उन्होंने गालियाँ लिख के डाल रहे हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ पुलिस, क्या हम पुलिस चौकी थाना सब खरीद सकते, हमारे पास इतना कुछ वो है। कितने लोग थे उस वक्त लगभग जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है? उस टाइम पर वो दो ही भाई मौजूद थे मौके पर। जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं मारने के बाद गिर गया, उसके बाद कितने लोगों ने मुझे पीटा मैं कुछ बता नहीं सकता। मौके पर जो दो बंदों ने पहले मुझे घेरा है, मैं उन दोनों भाइयों के नाम जानता हूँ, उनको पहचानता हूँ और मेरी भाभी भी जानती है, वो भी वहाँ मौके पर मौजूद थी। आपने जैसे बताया कि आपके ऊपर अचानक से ही हमला कर दिया गया, दवाई लेने गए थे, लेकिन हमले का कारण क्या था, किस वजह से ये हमला किया, आप उन्हें जानते थे पहले से क्या? इसका हमले का कोई कारण नहीं है, वो हमारे से वैसे मिस्टेक बात हुई थी। और कब बात हुई थी? उसी टाइम, उसी दौरान भाभी दवाई ले रही थी, वो मेरे पास आके एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कह रहा और भाई क्या हाल चाल है। बड़े वाला भाई हाल चाल पूछ रहा था, इतनी देर में उसका छोटा भाई आया, उसने मेरे मुँह पर वार कर दिया और मैं वार करते ही गिर गया, उसके बाद बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। कोई तो कभी तो कोई बात हुई होगी, ऐसे ही व्यक्ति क्यों वार करेगा आपके ऊपर? कभी ऐसा कोई भी उनसे हमारा लड़ाई नहीं, झगड़ा कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, अभी उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद उनकी चौकी से ही जमानत करवा दी, एसटी बेल करवा दी। मैं एंडरसन भी उन्होंने ऐसे जोड़े कि उनकी चौकी से ही बेल हो गई दांत टूटने की और ऐसी कोई उन पे धारा लागू नहीं हुई। अच्छा, उस वक्त मतलब जैसा बता रहे इसी इलाके की वारदात है, तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? नहीं, आजकल तमाशबीन पब्लिक है, खड़ा होकर तमाशा देखती है, कोई व्यक्ति मेरे को छुड़ाने बचाने नहीं आया। वहाँ कम से कम बहुत पब्लिक थी और उन लोगों पर पहले भी 2-4 कॉलोनी में मुकदमे हैं, वो मर्डर करवा चुके हैं, मर्डर में भी उनको कोई वो जेल नहीं हुई थी, उन्होंने पैसा दे के ही बार के बार बेल करवा ली थी। तो अभी फिलहाल आपकी क्या मांग है इस पूरी घटना को लेकर? मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और उनको जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जाए, अंडर सेशन जोड़े जाए, जो मेरे दांत टूटे हैं ये उन पे धाराएं लागू है, मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है। उस वक्त आपकी भाभी मौजूद थी, इनसे हम बात कर सकते हैं, कहाँ पर है वो? करण, मौके वारदात में मैं पहुंचा हूं तो पीसीआर की मदद से दीनदयाल लेके गया हूं। मेरे सामने बयान जो दर्ज हुए हैं, जो बयान मैं दर्ज करवाना चाहता था वो नहीं किए इन्होंने। क्या बयान किए गए दर्ज फिर? मैम, इससे भी बयान ये लिए गए कि दवाई लेने गया था, ठीक है, इसका जो मारपीट हुई है, हम ये बता रहे दांत भी टूटा हुआ, उन्होंने मेंशन किया है दांत, तो FIR जो इन्होंने दर्ज किया उसमें 323-341 ये अंडर सेक्शन मेंशन किए हैं, मगर बनती 325-326 है। ये बताइए कि इन्होंने हमें बताया कि आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, तो इस पर अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ पुलिस से कुछ जवाब मांगा कि क्यों छोड़ा है ऐसा? जवाब तो मैम इनसे मांगा, इन्होंने बोला एंट्री सेफ्टी बेल हो गई है, इनके थोड़ा दबाव डाला है, तो इन्होंने अब ये इसमें आज कहा है, मैं कल रात को हमारे घर आए थे पुलिस वाले, इन्होंने कहा है कि इनके अंदर अब ये 325 ऐड करेंगे,
मगर अभी तक हमारे पास कोई वो FIR की कॉपी आई नहीं है जो इसमें 325 ऐड की है। अभी आप लोगों की मांग क्या है? यही है मैम, इसके अंदर जो अंडर सेक्शन जो जोड़े जाए वो जोड़ने ही चाहिए ना, 325-326 बनती है इसके अंदर, क्योंकि चोट इसके अंदर सिर्फ दांत टूटने की दिखाई गई है, पसलियों के अंदर भी चोट है, मेडिकल है मेरे पास, सारे दीनदयाल के कागज है। उससे अगले दिन मैं इसको इमरजेंसी में दोबारा लेके गया और रात को 3 बजे तो पता चला कि पसलियों का भी मांस फटा हुआ है। आपको कारण पता है कि आप क्या उन लोगों को जानते थे? नहीं, मैं तो ये कॉलोनी में रहते जानते, तो ये इनकी कुछ पहले ही कोई कावड़ वावड़ पे गए थे, कुछ ऐसी मजाक उजाक बात हुई होगी, ये इस बार अभी दोबारा गए थे। तो कावड़ पे क्या बात हुई थी सर? कावड़ पे कोई बात नहीं हुई, उसी दौरान रात को जब उनका मुझसे फर्स्ट मुलाकात हुई केमिस्ट की दुकान के बाहर, तो यही हुआ था, क्या बात आप रात को इस बार कावड़ पे आने से लेट हो गए। अच्छा, यानी पहले बस आप उनके साथ कावड़ पे जाया करते थे पर कोई बात नहीं होती थी उनसे? कोई बात नहीं हुई थी, अभी उन्होंने कहा कि कावड़ पे कैसे लेट हो गया, बस हमारी ये दो ही बात हुई थी, इतना में उसके भाई ने मेरे आके मुंह पर पंच मार दिया और हमारी उससे कोई वजह कोई बात नहीं थी। तो देखिए, जब उन लोगों की बेल हुई तब उनके द्वारा कुछ और किया गया आपके साथ? बेल होने के बाद 10 मिनट बाद उन व्यक्तियों ने ऐसी स्टोरियाँ लगाई है, गालियाँ डाली है, बदमाशी की स्टोरियाँ लगाई है कि आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। वो गाली गलौज लिखने के ऐसे ऐसे शब्द लिख के वो पोस्ट कर रहे हैं, वो मेरे पास उनके सारे स्क्रीनशॉट है। अच्छा, यानी कि आपको एक तरीके से धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, डराया जा रहा हमारे को धमकी, मेरी छोटी बच्ची है, मियाँ बीबी, हम आते हैं कहीं जाते हैं, हमारे को अब भी खतरा बना हुआ है। जी, आपका नाम? बबीता। अच्छा, आपने क्या कुछ देखा था, क्यों उन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, आपको कुछ जानकारी हो? इनको यहाँ से लेके गई थी, मैंने कहा आँखों का ड्रॉप लेने के लिए जाना है, मैंने कहा मेरे साथ चल दो, ये वाला केमिस्ट था, मैं लेके गई, ये बाहर खड़े हो गए तो मैं लेने लगी, ऐसे ही दो आए, एक ने पकड़ लिया और एक ने मारा, जैसे ही मैंने शोर मचाया मैं अपने घर बुलाने आई, इतने में ही चोट मार के भाग गए। अच्छा, आपको कुछ पता है कि किस कारण से, क्या आप उन लोगों को जानती थी पहले से? मैंने नहीं, आप भी नहीं जानते? क्योंकि दो हैं लड़के, उनको मैं जानती हूँ। उन्हें कैसे जानते? थी मुंह ढका हुआ था, अब मैं किसको जानूं, इतनी चोट मार के मैं यहाँ बुलाने आई, उनका शोर मचाया, उनका चलो चलो लड़ाई होगी, इतने में चोट मार के भाग गए। तो देखिए, फिलहाल हम पीड़ित अभिमन्यु के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से दो भाइयों द्वारा इनके ऊपर बिना किसी कारण हमला कर दिया गया था। वो वारदात जो है रात के करीब 9 से 9:30 के बीच थी, जब ये अपनी भाभी के साथ मेडिसिन की दुकान पर गए थे तब इनके ऊपर हमला किया गया। फिलहाल इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ये पूरा मामला दिल्ली के तिलक नगर थाने में गया है, लेकिन जब उन लोगों को जो है बेल मिल चुकी है, जिसके बाद बेल से बाहर आने के बाद भी जो वो अपराधी हैं वो बाज नहीं आ रहे, इन्हें लगातार धमकी भरे स्टोरीज डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं ताकि ये डर जाएं और ये मामला जो है वापस ले लें, लेकिन इनकी यही मांग है कि पुलिस द्वारा अभी उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और इस पूरे मामले में थोड़ी ज़्यादा धाराएं लगानी चाहिए। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, क्या लगता है आपको, राजधानी दिल्ली आखिरकार कब तक सुरक्षित होगी? जैसे कि हमें अभिमन्यु ने बताया कि किस तरीके से उस वक्त भी लोग सिर्फ तमाशा देखते नजर आ रहे थे, जब इनके ऊपर उस तरह का हमला हुआ उस वक्त भी जो है इन्हें बचाने कोई भी नहीं आया। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप